आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार लेकर आता है प्रतिदिन आपके लिए इसी संग्राम की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी मंगल दास पकवासा को याद कर रहे हैं, जो 6 नवंबर 1967 को हमें छोड़कर चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में वो महात्मा गांधी के विश्वास पात्र थे और पहले 5 भारतीय राज्यपालों में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश, बॉम्बे और मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1953 से 1960 तक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पहले अध्यक्ष रहे। मंगलदास पकवासा का जन्म 7 मई 1882 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 1903 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और हिंदू कानून में अर्नोल्ड छात्रवृत्ति पर कानून की पढ़ाई पूरी की। वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी मार्च में भाग लेने के लिए उन्होंने एक सफल वकील के रूप में अपने करियर को छोड़ दिया। उन्हें इस दौरान गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। मंगलदास अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के एक प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने इसके मानद कानूनी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद वो सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से सक्रिय रहे और बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बने। 6 नवंबर 1968 को मंगलदास का निधन हो गया, लेकिन वे अंतिम समय तक भारत के नागरिकों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध रहे। हम इस महान गांधीवादी के राष्ट्रवादी उत्साह को सलाम करते हैं। नवंबर 1913 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर अनुचित कर के विरोध में सत्याग्रह में 2000 से अधिक लोगों के शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरोध में भारतीयों का नेतृत्व करना गांधी जी के सीखने की अवस्था का हिस्सा था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों से भारतीय समुदाय की विविधता और भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों या पंथों के बावजूद सभी लोगों को खुली छूट देने के महत्व को समझा। इन अनुभवों ने उन्हें भारत के सामने लंबे संघर्ष के लिए एक खाका प्रदान किया। गांधी जी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार उन्हें 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, फिर अगले दिन गांधी जी के एक अच्छे दोस्त हरमन कॉलनबैक द्वारा भुगतान की गई जमानत पर रिहा कर दिया गया। 8 तारीख को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 तारीख को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया था उन्हें। पहले उन्हें 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और बाद में इसे 12 महीने तक बढ़ा दिया गया। हालांकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से 18 दिसंबर 1913 को रिहा कर दिया गया था। 1914 में भारतीय राहत विधेयक में उन भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड कर को समाप्त करने का प्रावधान किया गया जिन्होंने अपने अनुबंधों का नवीकरण नहीं कराया था। भारतीय प्रथागत विवाह की वैधता को भी मान्यता दे दी गई थी। इस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।